क्वेश्चन कह रहे हो ना। सर मैंने तो रेजिस्टेंस हटा कर दिए थे तो उससे सॉल्व हो रहा था सर। हाँ वैसे ही बता दे रहे हैं, सिक्स कह रहे हो ना बच्चे। देखो हाँ सर, 60 बोला है। जल्दी, नहीं सॉरी ये अच्छा, तुमको इसमें ये हो रहा होगा कि करंट के लिए कोई पाथ नहीं मिल रहा होगा, तो यस सर। यस उसमें क्या ऑप्शन मिलना मिले। एक सेकंड बता रहे, नहीं आती सर उनके बीच में बी पॉइंट है उस है वो सब तो अभी कर देंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंप्लीट है ना डायग्राम, कंप्लीट है। थ्री थ्री यस वन वन सर, यही है सर। चलो, तो यस इसमें क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों की स्टडी स्टेट पर। सर, पूरे सर्किट में कोई कोई मतलब पाथ ही नहीं मिल रहा है करंट को। हाँ सर, कोई बात नहीं। नहीं, ना सर मिले सर तो सर तो मान लीजिए पाथ नहीं भी मिल रहा है, अगर हम रेजिस्टेंस को मान लीजिए इग्नोर कर दें तो सर 100 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस मतलब वही 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो जो 1 माइक्रो फराड है जो कैपेसिटेंस लगा हुआ है उसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट का होगा सर, ऐसे ही तो कर लेंगे सर। हाँ क्या वैसे बात, ही करेंगे। एक्चुअली ये लोग घबराए इसमें गए होंगे ना कि करंट का पाथ नहीं मिला। यस सर। कोई बात नहीं ना मिले भाई, देखो स्टडी स्टेट पर जहां जहां पर कैपेसिटर से उनमें करंट जाएगा ही, तो यस सर। इस ब्रांच में करंट नहीं जा सकता, इस ब्रांच में नहीं जा सकता, इस ब्रांच में, यानी कि कहीं कोई करंट फ्लो कर नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह देंगे कि स्टडी स्टेट पर कोई करंट होगी नहीं, कह सकते हैं ना स्टडी स्टेट पर जीरो यस करंट। सर। ठीक है, चलो अब देखो पोटेंशियल मेथड पे आओ। पॉइंट सी का पोटेंशियल जीरो मान लो, तो बैटरी के दूसरे साइड वाला पोटेंशियल बताओ। जीरो मान लिया अगर तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है, मतलब ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। तो अगर इधर 100 है तो फिर पॉइंट ए का पोटेंशियल 100 ही होगा, 100 ही आएगा कोई, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ सकता ना करंट की एब्सेंस में। पॉइंट पी भी पोटेंशियल में 100 हो गया, ये पॉइंट भी 100 हो गया, ये पॉइंट भी 100 हो गया, ये सारे पॉइंट्स 100। ना ये जीरो, इस रेजिस्टेंस में भी करंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी नहीं आएगा, तो जीरो 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 जीरो, ये सब पोटेंशियल जीरो हो गए। पॉइंट बी का पोटेंशियल एक्स मान लेते, और अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कैपेसिटर में आइसोलेटेड सर्किट वाली थ्योरी थी, इस 3 माइक्रोफेरेड के अंदर से, इस 3 माइक्रोफेरेड के अंदर से चार आ वन के, जाएंगे उसमें। ये वन वन वन, ये पूरा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। यस सर, यस सर। इसकी इक्वेशन लिखाओ, एक्स माइनस 100 इंटू 3 प्लस दिस एक्स माइनस 100 अगेन इंटू 3, यानी इसका डबल हो जाएगा। इधर से एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 0 इंटू 1, और एक ये वाली प्लेट आएगी इधर से, उसके लिए भी एक्स माइनस 0 इंटू 1, यानी कि 2x, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे डायरेक्टली मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, वो आएगी 50, नहीं 206, 600 बाई 4, एक मिनट को नॉर्मल कर रहे हैं आप, 600 बाई 8, 75 आ रहा है। यस सर, यस यस सर। यहाँ 75, यहाँ पर 100, सारे आंसर्स आ गए क्वेश्चन। यस सर। और कौन सा सर, वो डाउट है? रेजिस्टेंस ही नहीं, इग्नोर कर रही थी, इसी में सर होने रहा था। यस सर, इसी में क्यों भी बना लिया था पर। होता है, कोई बात नहीं सर, ठीक है। और कौन सा डाउट है? ऐसा ही तुम्हारा 9th में भी शायद, 9th में, 9th में नहीं, 9th हो गया, 9th सर हो गया सर, वो तो हो गया। फिर और कौन सा है? सर 13th, 13th सर, 13th।
एक इसी में पूछे थे शॉर्टिंग और स्विच का मतलब क्या होता है सर? शॉर्टिंग मतलब क्लोज करना, ओके सर, स्विच को बंद करने के बाद। हाँ सर, तो बस वही कंफर्म करना में मतलब मेंशन नहीं है तो हम स्टेडी स्टेट मान के ही सॉल्व करते हैं ना, मतलब अगर पोटेंशियल अगर टाइम मेंशन नहीं है तो ये मान लिया जाता है कि सब्जेक्ट स्टडी स्टेट पर है। ओके सर, तो और कोई डाउट है इस असाइनमेंट पे किसी को? नो सर। चलिए आज सी, क्योंकि आज तीन असाइनमेंट जाएंगी सर। हाँ सर, सर एक सर थियोरेटिकल डाउट पूछ ले सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। हाँ एक मिनट अच्छा पूछ, एक मिनट पूछ, पहले मैं ये पता कर लूँ। और इसके पहले वाली असाइनमेंट डिस्कस हो गई थी? यस यस सर यस। सर इसमें सर एक सर क्वेश्चन नंबर 6 में सर वो जो लिखा क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब तुम लेट नहीं आए थे, क्लास पहले शुरू हुई थी। चलो और बताओ भाई, एक करके। हाँ सर, कल तुम्हारा डाउट भी है मुझे एक बता रहे, 10-15 मिनट डाउट सेशन कर ली उसके बाद पढ़ा। प्रणव पूछो जल्दी। हाँ सर, सर डाउट ये है सर, क्वेश्चन कहता है सर दो स्फीयर्स हैं सर कंडक्टिंग है दोनों, और सर दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज है। तो सर पहले क्या किया, दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स निकाला गया एक, मतलब उनको पॉइंट चार्ज मान के, मतलब ऐसा किया गया है सर, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और फिर उसके बाद सर एक्सपेरिमेंटली उनका वो निकाला गया बीच का क्या बोलते हैं इंटरेक्शन फोर्स, पहले उन दोनों को मतलब कैलकुलेटिवली पॉइंट चार्ज मान के किया गया और उसके बाद एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो सर जो एक्सपेरिमेंटली वो आया वैल्यू वो F2 था, और मतलब पॉइंट चार्ज मानने पे F1 आया। तो सर बोला है कि अगर दोनों स्फीयर्स कंडक्टिंग है तो F2 बड़ा होगा कि F1 बड़ा होगा। आपने पोटेंशियल एनर्जी वाले असाइनमेंट में इसका क्वेश्चन था, उसका शायद अनिरुद्ध ने कुछ आंसर भी दिया था उस टाइम पर। यस सर, तो ऐसे दो स्फीयर एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे थे नॉन कंडक्टिंग फॉर्म में, और उस क्वेश्चन का बी पार्ट था कि अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर्स होते तो इनके बीच की जो स्पीड आती वो पहले से ज्यादा आती या कम आती, है ना? पोटेंशियल एनर्जी असाइनमेंट का प्रॉब्लम था ये। यस सर, से ज्यादा आती। हाँ तो उसके पीछे कुछ शरीफ। हाँ बोलो बच्चे। सर सी में क्वेश्चन है उसमें बता रहे, एक एक करके ले रहे भी। पहले इनका दो, इनका कहना है कि जैसे दो स्फीयर्स हैं उनमें Q1 Q2 चार्जेस हैं, और मान लिया उनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो थियोरेटिकली जो फोर्स का वैल्यू बन रहा है थियोरेटिकली वो कूलम्स लॉ के हिसाब से के टाइम्स Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर बन जाएगा थ्योरी वाइज, क्योंकि इनको पॉइंट चार्जेस मान सकते हैं। और इनका ये कहना है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट करके इनकी फोर्सेस को मेजरमेंट किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो हमारा आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा था, मतलब हमको ये बताना है कि वो इससे ज्यादा आएगा, इससे कम आएगा या इसके बराबर आएगा। यही डाउट है ना यार, पहले ये तो कंफर्म कर। यस सर। तो ये इज इट मोर देन इक्वल टू और लेस देन, कौन सा एप्रोप्रिएट साइन कौन सा बन रहा है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने पर? और ये कंडक्टिंग स्फीयर्स है, आइडेंटिकल चार्जेस है? नो सर, वो नहीं बता, मतलब सिमिलर है, सिमिलर है आइडेंटिकल है, मतलब नहीं सर वो नहीं बता। मान लीजिए, मान लेते हैं कोई बात नहीं, प्लस प्लस चार्ज मान लें सर। यस सर, कुछ भी मान लीजिए, तो प्लस प्लस मानते हो और कंडक्टिंग सर। एक्चुअली क्वेश्चन आपका मल्टी करेक्ट था सर, एक एक ऑप्शन में दिया हुआ था कि दोनों पे लाइक है, एक ऑप्शन में दोनों पे अनलाइक, तब मतलब दोनों के। यस सर, मल्टी करेक्ट। वही पूछ रहा हूं कि सिमिलर मतलब लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है। तो लाइक वाला केस पहले ले लो, प्लस प्लस वाले या माइनस माइनस वाले? ओके, प्लस प्लस वाले में कंडक्टर था नहीं, तो
कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा इनके बीच में, मतलब इस प्लस का और इस प्लस का आपस में इंडक्शन, जैसे मान लो अगर ये Q1 ना होता, सॉरी ये Q2, तो Q2 को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इमेजिन करो कि Q1 चार्ज नहीं है आपके पास, मान लीजिए Q1 ये एब्सेंट है, तो हम ये कहते हैं कि Q2 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ पर, यस सर, क्योंकि आइसोलेटेड स्फीयर होता है, आइसोलेटेड है और स्फेरिकल ज्योमेट्री है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर कंसिडर करें, पॉजिटिव का जब इंडक्टिव इफेक्ट लेंगे तो फ्रंट साइड के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और रियर साइड पर पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, yes, ऐसे हो गए, तो इसका मतलब फ्रंट साइड पर पॉजिटिव चार्जेस की डेंसिटी कम हो जाएगी और रियर साइड पर मतलब इधर वाले साइड पर पॉजिटिव चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो ऐसे में इसका जो इफेक्टिव सेंटर ऑफ चार्ज होगा, बिकॉज इस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेंसिटी के हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज कम डेंसिटी के हो जाएंगे, तो सेंटर ऑफ चार्ज ज्योमेट्रिकल सेंटर से थोड़ा राइट साइड शिफ्टेड होगा, समझ पा रहे से नहीं? यस सर। एंड सेम आर्ग्यूमेंट इधर भी आएगा, तो सेंटर ऑफ चार्ज इधर का और सेंटर ऑफ चार्ज इधर के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस स्मॉल आर के कंपेयर में ज्यादा होगा या कम हो जाएगा? सर ज्यादा हो जाएगा। तो फिर फोर्स की जो वैल्यू होगी? हाँ सर कम हो जाएगी। ठीक, ये लाइक चार्जेस के केस में, यस सर। अब अनलाइक का सोच सकते हो? यस सर आप सोच लेंगे सेम एनालॉजी से। तुम क्या पूछ रहे थे त्रिपाठी जी? सर एचसीवी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन, चैप्टर कौन सा है? सर ये क्वेश्चन बता दो। इलेक्ट्रिक करंट पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज में, सर जिसमें एक फ्रस्ट्रम बना हुआ है, सर उसमें लिखा है दिस शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, द रेडियस ऑफ The radius of cross section varies linearly from A to B. The resistivity of the material is rho. Assuming that B minus A is very very less than L. Find the resistance of the conductor. ठीक, ये फिगर होगा? Yes sir, यही है। चलिए, दो कई इसको सॉल्व करने के कई तरीके। यहाँ पर रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस A मान लीजिए, दूसरे साइड का रेडियस B मान लो। हम ये मानते हैं कि करंट लेफ्ट साइड से एंटर करेगा और राइट साइड से बाहर आ जाएगा, तो कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। इसमें से एक तरीका जो बड़ा कॉमन मेथड है वो ये कहता है कि इसको हम डिफरेंशियल अप्रोच से सॉल्व करें, मतलब इसका एक एलिमेंट लेने पहले, एक जो कॉमन मेथड होगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, इस फ्रस्टम को कई सारे स्लाइसेस में डिवाइड कर सकते हो और एक एलिमेंट्री स्लाइस से कंसिडर कर ले इसमें, जो कि लेफ्ट साइड से एक्स डिस्टेंस पर हो और उसकी लीनियर विड्थ dx हो, और जो स्लाइस हम कंसिडर करें उस स्लाइस का रेजिस्टेंस dr मान लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द स्लाइस इज dr। इस स्लाइस की रेडियस निकाल सकते हैं, उसके लिए क्वेश्चन में ये कहा गया है ना कि रेडियस लीनियरली वेरी हुआ है। yes, sir. तो अगर यहाँ पर रेडियस ए है, यहाँ पर बी है और ये लीनियर वेरिएशन है, तो इसका मतलब रेडियस का कि जो इक्वेशन होगी वो एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, तो इट मस्ट बी समथिंग लाइक mx + c टाइप, इफ इट इज वेरिंग लीनियरली, जिसमें m और c हम बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे, अगर लेफ्ट साइड को x इक्वल टू 0 मान लें और राइट साइड को x इक्वल टू l मान लें, तो x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंगली रेडियस की वैल्यू a है और x इक्वल टू l के करस्पॉन्डिंगली रेडियस की वैल्यू b है, इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स। इससे हमने इससे आप m और c की वैल्यू निकाल पाओगे, और ये पार्ट करने के बाद जो रेडियस का एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि a plus b minus a divided by l multiplied by x। अब वो थोड़ा सा करके देख लेना इसको, ठीक? Yes sir. Now the resistance dr of this slice, resistance dr for this slice,
वो आप फंडामेंटल फॉर्मूले से निकाले, रेजिस्टिविटी रो टाइम्स dx इज द लेंथ ऑफ स्लाइड, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय द एरिया, सर्कुलर स्लाइस है ऑफ रेडियस स्मॉल r, तो एरिया इसका पाई इनटू स्मॉल r स्क्वायर, पाई स्मॉल r स्क्वायर मतलब पाई इनटू दिस mx प्लस c स्क्वायर यानी पाई इनटू दिस स्क्वायर, राइट? यस यस। और ऐसी जितनी भी एलिमेंटल स्लाइसेस होंगी, मतलब इस स्लाइस के साथ और भी स्लाइसेस आएंगी, इन सभी स्लाइसेस को रेजिस्टेंस के कौन से कॉम्बिनेशन में मान सकते हैं? वन आफ्टर वन एक सीरीज, तो नेट रेजिस्टेंस इन सबको इंटीग्रेट यानी ऐड करके आएगा, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट्स ए टू बी, और फाइनल आंसर इज रो एल अपॉन पाई टाइम्स ए इनटू बी। यस सर। सर मैंने इसमें ऐसे किया था कि सर मैंने जो हम लोग का करंट डेंसिटी होती है वो निकाल ली थी, हाँ, और फिर हाँ, सर उसको वो जो हम लोग का ई निकाल लिया, फिर डेल्टा वी से वो कर दिया था, वो भी एक वही मैंने कहा तरीका, वो भी है एक, तो ये मैंने कहा ये कॉमन मेथड है एक्चुअली जो बुक्स में अडॉप्ट किया गया है। यस, और जो आप कर रहे हो वो मोर जनरलाइज एंड सब्जेक्टिव है और अच्छा है, मतलब एक तो ये मेथड है बट उसमें भी रेडियस को निकालना ही पड़ेगा। यस सर, वो तो निकालना पड़ा था, मतलब यहां तक तो आपको तब भी काम करना पड़ेगा, उसके बाद मेथड डिफर, तो वो मेथड भी सही है। ठीक सर। सर हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर, उसमें जैसे था सर कि हम लोगों को करंट वो निकलवा रहा था किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्वेश्चन में, तो सर उसमें फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम लोगों का पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, तो अब सर इसमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो किस इंस्टेंस पे पूछ रहा है, क्यों मतलब वो किस इंस्टेंस, क्योंकि अगर सर ऐसे तो मतलब किसी भी इंस्टेंस पे पूछ सकता है, लेकिन सर आंसर वो यही आ रहा है कि हम अगर जो उसमें टाइम पहले लिखा हुआ है कि जिसमें करंट निकालो उसी, जब नहीं मेंशन होगा तो बाय डिफॉल्ट यही मान के चलेंगे कि जिस इंस्टेंट पर करंट कैलकुलेट करवाई है उसी इंस्टेंट पर बैटरी की पावर भी पूछेंगे। अच्छा अच्छा सर, एक चीज और डाउट था कि सर जैसे आरसी सर्किट है तो सर उसमें जैसे हम लोग को कैपेसिटर पे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, तो सर उसको अगर हम लोग को पावर निकालनी हो उसकी, तो सर हम लोग मतलब उसको डिफरेंशिएट कर दें तो आ जाएगी ना, उसी से आएगी टाइम के रिस्पेक्ट में। यस सर, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन था तो वो आंसर नहीं मैच कर रहा था, मुझे डाउट हो रहा था, चलो थोड़ा देख लूंगा उसमें क्या गलती है। ठीक ठीक, आपको हम बता देते हैं क्वेश्चन, और यार क्लास भी सर पूछो जल्दी। सर मतलब ये था कि बल्ब इज मेड यूजिंग टू फिलामेंट्स ए, अब बल्ब इज मेड यूजिंग टू फिलामेंट्स, फिर अ स्विच सेलेक्ट्स वेदर द फिलामेंट्स आर यूज्ड इंडिविजुअली और इन पैरेलल, when used in 15 volt battery the bulb can be operated at 5 watts 10 watts or 15 watts। ठीक समझ गया, मैं बता रहा हूं, बता चलो, ये इसलिए मुझे पढ़ाना भी था आज। अच्छा बीच बीच में पढ़ाते भी रहेंगे, डाउट पूछते रहना, मैं जब बोलूंगा तो डाउट पूछ लेना आज। ओके सर, जो आप ये बल्ब वाला क्वेश्चन पूछो ना, ये एक्चुअली कराना भी था हमें आज। तो ये पुराने जमाने के बल्ब है, वो जो पीले वाले बल्ब आते थे, उनकी बात हो रही है। मुझे ऐसा होता था बड़ा सा ग्लास और उसमें ऐसे एक कटोरी टाइप की लगी होती थी। Yes, sir. है ना, और अंदर जाकर के ऐसे दो फिलामेंट्स होते थे इसमें, ऐसे करके क्या ऑपरेशन करते थे इसमें यार, मतलब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम बल्ब को कनेक्ट कर देते थे किसी बैटरी बैटरी से या स्विच ऑन करते थे तो पटक से लाइट आ जाती थी इसमें, तो इसमें जो ये फिलामेंट लगा, तो इस फिलामेंट का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है एक्चुअली, मैंने सपोज दैट आर रेजिस्टेंस, और अगर आप इसको वी वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करते हो तो बेस्ड ऑन द वोल्टेज एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट नेग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस अगर आप नेग्लेक्ट करते हो तो थियोरेटिकली V square divided by the resistance of that filament, जो बल्ब के अंदर यूज किया गया है, इसको हम बल्ब की पावर कह सकते हैं, है ना, पावर ऑफ द बल्ब, और पावर ऑफ द बल्ब का मतलब होता है जिस रेट पर वो हीट को डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये सब कुछ आइडियल कंडीशंस मानते हो आप। आइडियल कंडीशन का मतलब बैटरी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वायर्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सारा का सारा रेजिस्टेंस फिलामेंट के अंदर है,
और ये भी मान के चलते हैं कि बल्ब जो है एक मशीनरी है जो हीट को लाइट में कन्वर्ट करती है विद 100% एफिशिएंसी। तो जितनी भी हीट हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं वो पूरी की पूरी लाइट एनर्जी के फॉर्म में निकल जाती है। तो ऐसे में जो पावर निकाली गई है रेट ऑफ हीट लॉस, इसी चीज को हम पावर ऑफ बल्ब कह सकते हैं। सब कुछ आइडल कंडीशंस में है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली जो पावर आएगी वो वी स्क्वायर बाय आर से काफी कम आएगी, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस वायर्स में होगा, उसके अलावा हीट 100% लाइट के फॉर्म में नहीं निकलती, कुछ इसको टेम्परेचर बढ़ाने में भी चली जाती। सर किसी भी मशीन की 100% एफिशिएंसी नहीं होती। बिल्कुल, तो बल्ब मशीन ही है और क्या है, मशीन की डेफिनेशन थ्री इडियट्स बुझी गई है, आप पढ़ दो, ये तो दी गई है उसमें, क्यों नहीं मूवी नहीं देखे तुम लोग थ्री इडियट्स? सर सर देखी है सर, सबको वो डेफिनेशन याद है जो एग्जांपल दे दे के बता रहा था। चलो एक में बता रहे बच्चे, एक में बता रहे हैं ना, एक तो ये नॉर्मल बल्ब होता है। एक्चुअली क्या होता है कि मल्टीपर्पज बल्ब बनाने लगे लोग, तो मल्टीपर्पज बल्ब में क्या होता था, देखो जो ये बात कर रहे हैं डबल फिलामेंट वाले बल्ब होते थे। डबल फिलामेंट वाले बल्ब किस तरीके से होते थे, ये भाई डायग्राम थोड़ा गंदा बनेगा, इसमें एक्सेप्ट कर लेना इसको जैसा भी बन रहा, ठीक है, हो सकता है बल्ब ना दिखे आपको ये। इसमें एक फिलामेंट मान लीजिए ऐसे है और एक और फिलामेंट है, यहाँ पर अंदर दो फिलामेंट्स लगाए गए, टू फिलामेंट वाले बल्ब जो होते हैं, और ये दोनों फिलामेंट राइट साइड पर आपस में कनेक्टेड है, और एक सप्लाई यहां से आती है, मतलब एक सप्लाई इस साइड पर आ रही है, और दूसरे वाले साइड पर जो है ना, दूसरे वाले साइड पर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम इनमें से किसी एक फिलामेंट को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये फिलामेंट वन है और ये फिलामेंट टू, एफ वन और एफ टू ही दिखे, मतलब करंट का आउटगोइंग पाथ एफ वन भी हो सकता है, एफ टू भी हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग कुछ ऐसे की जाए, कुछ ऐसा भी कह सकते हैं। मान लो यहाँ पर एक सॉकेट लगा है जिस सॉकेट से हमारा करंट निकलना है, और यहाँ पर कुछ स्विच लगी हुई है स्विच वन, और यहाँ पर एक स्विच लगी है स्विच टू। तो अब ये बल्ब बनाने वाले कंपनियां हैं वो इन सब पर रिसर्च करा करती है। तो अगर हम स्विच वन को बंद करते हैं तो कौन सा फिलामेंट कनेक्ट हो जाएगा, सपोज दैट स्विच वन इज क्लोज, F1। अगर हम स्विच टू को बंद करें, स्विच टू F2। और अगर हम दोनों स्विचेस बंद कर देते हैं तो ये कहते हैं कि दोनों फिलामेंट्स पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं। और मान लीजिए हम सप्लाई वी वोल्ट की करते हैं, यहाँ पर वी वोल्ट की सप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फिलामेंट टू है, यानी कि जब हम स्विच टू को क्लोज कर रहे हैं और स्विच वन को ओपन रखते हैं, S2 closed और S1 open, फिलामेंट टू वर्क करता है, एंड लेट्स से कि इसके वर्किंग से 100 वॉट पावर आती है, एंड व्हेन S1 इज क्लोज्ड S2 रिमेन्स ओपन, S1 क्लोज्ड S2 ओपन, व्हिच मींस F1 इज वर्किंग। तो मान लीजिए पावर जो आती है वो 75 वॉट की आती है, तो अगर हम दोनों स्विचेस बंद कर देंगे तो हमें कितनी पावर मिल जाएगी, बता पाएंगे इसको? मतलब ये स्मार्ट बल्ब होते हैं, ये स्मार्ट बल्ब क्या होते हैं, आप इसमें मल्टीपल पावर जनरेट कर सकते हो बाय क्लोजिंग S1, बाय क्लोजिंग S1 दिस बल्ब रन एट 75, हां राइट 75, बाय क्लोजिंग S2 द सेम बल्ब विल ऑपरेट एट 100 वॉट, एंड बाय क्लोजिंग बोथ द स्विचेस इट इज 175 वॉट, बिकॉज़ ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। यस सर, ठीक है, मतलब दिस बल्ब द सेम बल्ब कैन बी ऑपरेटेड एज ए 75 वॉट बल्ब, 100 वॉट बल्ब, एंड देन 175 वॉट बल्ब। तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है, इकोनॉमिकल हो जाता है, बट क्योंकि अब ये बल्ब यूज ही नहीं होते
यार हम लोगों ने अपने घरों में तो ऐसे बल्ब कभी नहीं लगाए। त्रिपाठी जी आप पूछो डाउट। सर यही सेम चीज है, और बोला गया है कि 15 वोल्ट की बैटरी से इसको ऑपरेट किया गया है। सर तो पूछा गया है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट्स, तो वो तो निकाल लेंगे ना। अगर मान लो वोल्टेज गिवन है और हमको फिलामेंट्स की पावर गिवन है, तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यस सर। हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर सपोज 220 वोल्ट की सप्लाई जो हम लोग के घरों में आती है, तो अगर 220 वोल्ट पर फिलामेंट F2 100 वाट की पावर जनरेट कर रहा है, तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर से हम फिलामेंट 2 का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंड सिमिलरली फिलामेंट 1 का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो सर इस वाले क्वेश्चन में तो शायद जो तीसरा जो हम लोग को पावर दिया उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दो ही से आ जाएगा ना। तो उससे एक्चुअली वेरीफाई हो गया था आंसर, वो कंबाइंड पैरेलल में दिया था ना दोनों का, तो पावर ऐड हो जाएगी। हाँ सर वो yes. वेरीफाई हो गया था उससे, बस आंसर देखने में। ओके सर चलिए इस पे ना कुछ क्वेश्चंस और करने हैं। बल्ब वाले क्वेश्चंस बड़े कॉमन से आते हैं एक्चुअली। ये जितने बल्ब वाले क्वेश्चंस आते हैं इनमें एक रेटिंग छूटी है, किसी भी बल्ब की रेटिंग दी जाएगी। और बल्ब क्या हर एक चीज की जितने भी घर में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है सबकी रेटिंग होती है, इतने वोल्ट पर इतनी पावर आएगी। सर इसी पे फ्यूज वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। फ्यूज वाले हाँ, वो सब आज मिसलिनियस वाले क्वेश्चन टच करके खत्म करेंगे। एक्चुअली इससे आपको रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, है ना? पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, तो आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन दिस पावर। इससे हम निकाल सकते हैं कि इस बल्ब का क्या रेजिस्टेंस होगा। और इसमें आइडल कंडीशंस में ये माना जाता है कि जो बल्ब की रेजिस्टेंस है वो ऑपरेटिंग वोल्टेज के इंडिपेंडेंट चलती है। ये आइडल कंडीशंस है। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, फैन, मोटर, हीटर, जो भी हमारे घर के चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, हम ये मान के चलते हैं न्यूमेरिकल्स में कि किसी भी वोल्टेज पर, यानी वोल्टेज लो हो जाए या वोल्टेज अगर हाई हो जाता है तो भी उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता। मतलब इनडायरेक्टली ओमिक बोलना चाह रहे हैं ना? मतलब परमानेंट कांस्टेंट है जो प्रैक्टिकल होता नहीं है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज, ये इसके की पॉइंट्स रहेंगे। ओमिक कह सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो इस तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं क्वेश्चंस में कि अ बल्ब रेटेड एज 100 वॉट एट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई, इस तरीके से ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है। व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, बहुत बेसिक क्वेश्चन। V स्क्वायर बाय P कांस्टेंट कर देंगे 25। हाँ तो हम लोग को पता है कि जो पावर है वो V स्क्वायर बाय R है, फॉर्मूला ऑफ पावर इज V स्क्वायर बाय R। Since P equals to V square by R. और साथ में ये कह रहे हो कि रेजिस्टेंस को हम एज ए कॉन्स्टेंट मानते हैं, इसका वोल्टेज और पावर से कोई मतलब नहीं होता। रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड कंज्यूम्ड पावर दोनों के। तो इसका मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, और ये एक रेफरेंस डेटा होता है कि 220 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 100 वॉट की पावर आएगी। अब आप निकाल लो, अगर 220 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 100 वॉट की पावर है तो 110 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कितनी पावर है? 25 वॉट। हाँ, पावर प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अगर हम 220 की जगह 110 कर रहे हैं, यानी कि वोल्टेज को हाफ कर रहे हैं, तो वोल्टेज हाफ करने पर उसका स्क्वायर यानी कि जो पावर है वो 1/4 हो जाएगी। तो 1/4 ऑफ 100 यानी आंसर इज 25 वॉट इस बल्ब की पावर होगी।
मतलब ये वर्क करेगा 25 वॉट के बल्ब जैसा, राइट यार? यस। इसी लॉजिक पर ध्यान देना है, इस लॉजिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बट आते जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये पूछते हैं इसके अंदर कि हमारे पास दो बल्ब है, एक 220 वोल्ट 100 वॉट का बल्ब और एक 220 वोल्ट और 60 वॉट का बल्ब है, और इन दोनों को हम लोगों ने 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया, तो कितना कितना पावर कंज्यूम करेंगे ये, इसकी पावर कंजम्पशन क्या होगी और इसकी पावर कंजम्पशन क्या होगी, ये ध्यान रखना। 220 वोल्ट 100 वॉट कंजम्पशन नहीं है, ये इनका रेटिंग्स हैं, स्पेसिफिकेशंस जिसको बोलते हो, कि 220 वोल्ट सप्लाई अगर इस बल्ब को मिलेगी तब ये 100 वॉट कंज्यूम करेगा, 100 वॉट कंजम्पशन एट 220 वोल्ट, 60 वॉट कंजम्पशन एट 220 वोल्ट, बट अगर इनको 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी ही नहीं तो फिर उतना पावर कंज्यूम भी नहीं करेगी। yes, sir. तो अब हमारे का क्वेश्चन है कि अगर हम इन दोनों को सीरीज में लगा करके 220 वोल्ट लगा दें तो कितना कंजम्पशन यहाँ पर होगा, कितना कंजम्पशन यहाँ पर होगा, क्या रेशियो बनेगा इनके रेजिस्टेंस के बीच में, दोनों बल्ब की रेजिस्टेंस। नाउ ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर रेजिस्टर्स हमारे सीरीज में कनेक्टेड है तो वो सप्लाई वाले पोटेंशियल डिफरेंस को, जो सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस है उसको रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड करते हैं। सीरीज रेजिस्टर्स के केस में सप्लाई वोल्टेज रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड करिए, 220 वोल्ट सप्लाई को 3 और 5 के रेशियो में जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो वोल्टेज अवेलेबल होगा इस बल्ब के लिए, जो वोल्टेज होगा वो इन द रेशियो 3/5 इसको जब डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 3/8 ऑफ 220, और यहां पर जो वोल्टेज आएगी वो आएगी 5/8 ऑफ 220। ये वोल्टेज इस बल्ब को मिलेगा और ये वोल्टेज इस बल्ब को मिलेगा। Yes, अब 220 वोल्ट के करस्पोंडिंगली अगर ये 100 वॉट की पावर दे रहा था तो अभी इस बल्ब को 220 इंटू 3/8 की पावर मिल रही है, 220 इंटू 3/8 की वोल्टेज मिल रही है, 220 इंटू 3/8 की वोल्टेज, और हमें पता है कि पावर वोल्टेज के स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, अगर 220 वोल्ट मिलता 100 वॉट की पावर आती तो अगर 3/8 ऑफ 220 वोल्ट मिल रहा है तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा ये, 220 में 3/8 मल्टीप्लाई किया उसका स्क्वायर कर लीजिए 9/64 9/64 ऑफ 100, ये ऑब्जेक्टिव बैठा ध्यान दो पहले क्या करना है, एट 220 वोल्ट द पावर इज 100, सो एट 3/8 ऑफ 220 द पावर विल बी 9/64 टाइम्स ऑफ 100, नहीं समझे? यस सर। पावर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, तो जो हम वोल्टेज इस बल्ब को दे रहे हैं वो 220 में 3/8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर इसके करस्पॉन्डिंग पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इस बल्ब को आप 220 इंटू 5/8 करके वोल्टेज दे रहे हो तो 5/8 का स्क्वायर इसके करस्पॉन्डिंग पावर में 64/60, तो यानी इसमें जो पावर जनरेट होगी वो 25/64 मल्टीप्लाइड बाय 60 वॉट की आएगी। यस सर। तो कौन सा बल्ब ज्यादा पावर कंजम्पशन कर रहा है, कंजम्पशन ऑफ पावर, यहाँ पर पावर ज्यादा कंज्यूम हो रही है या फिर यहाँ पर ज्यादा पावर कंज्यूम, दूसरा वाला था, 60 वॉट का, मतलब कम वॉट, जो हल्का बल्ब है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा पावर खींचता है, मतलब ये बिजली का बिल ज्यादा बढ़ाएगा आपका।
प्रिंसिपल समझ में आए, इनके वर्किंग प्रिंसिपल? यस यस सर। यस ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, सिमिलर क्वेश्चन। पता इसमें पता नहीं क्यों हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि बल्ब वाले क्वेश्चंस करवा दो, बल्ब वाले हमसे नहीं होते। हालांकि हम लोग ये सब क्लास टेंथ में ही कंप्लीट करा देते हैं, बट फिर भी देखो। इसमें बताना यार, ये जितने बल्ब हैं B1, B2 एंड B3, और एक और बल्ब है लेकिन इसका स्विच ऑफ है, चार बल्ब हो गए B1, B2, B3, B4, सब आइडेंटिकल है, चारों बल्ब एक ही कंपनी के हैं, आइडेंटिकल बल्ब हैं, और वो सब 220 वोल्ट 100 वाट के हैं, ऑल फोर आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। अभी फिलहाल B4 ऑफ है और यहाँ हम 220 वोल्ट सप्लाई दें, तो बहुत फास्ट बताइए B1 में कितनी पावर कंज्यूम होगी, B2 में कितनी पावर कंज्यूम होगी और B3 में कितनी पावर कंज्यूम होगी। सिमिलर बल्ब्स हैं, ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं, लेस देन 1 मिनट क्वेश्चन ही है, पावर कंजम्पशन बाय ईच बल्ब। सर कुछ डेटा दिया हुआ है क्या सर? ये दिया ना कि एवरी बल्ब इज 220 वोल्ट। अच्छा अच्छा ओके सर, हां ठीक है, ये दिया 220 वोल्ट 100 वोल्ट का बल्ब है, सारे आइडेंटिकल है, और इनको सीरीज पैरेलल में मिला करके और 220 वोल्ट की सप्लाई कर दी। सर B1 है 25 वोल्ट। रूल समझो, रूल क्या है, अभी B4 का तो आउट ऑफ पिक्चर है, B4 से कोई मतलब नहीं है, B2 और B3 मिला, अगर ये सारे आइडेंटिकल बल्ब हैं तो रेजिस्टेंस भी आइडेंटिकल होंगे इनके। यस, सबको RR मान लो, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, तो B2 और B3 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? R और R और ये R/2 और B1 का जो R है वो कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे? सीरीज R/2 हो जाए। क्या रेशियो बनेगा रेजिस्टेंस ऑफ अ B1 में और B2 और B3 के कंबाइंड रेजिस्टेंस का? 2:1 भाई, B2 और B3 कंबाइंड होकर के R/2 हो जाएंगे ना? Yes. और यहाँ पर R होगा यानी डबल रेजिस्टेंस, तो 2:1 का रेजिस्टेंस। और क्या B2 और B3 का कॉम्बिनेशन B1 के साथ सीरीज में ही तो होगा? Yes, सीरीज की प्रॉपर्टी लगाओ, रेजिस्टर सीरीज में लगाए हैं तो ये सप्लाई वोल्टेज को अपने रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड करेंगे, 220 वोल्ट का डिवीजन होगा यहाँ के रेजिस्टेंस R में और यहाँ के रेजिस्टेंस R/2 में, यानी कि 2:1 के रेशियो में, यानी कि B1 के पास जो वोल्टेज आएगी वो 2/3 टाइम्स ऑफ 220 आएगी। यस सर। और इन दोनों के पास बराबर बराबर वोल्टेज आएगी, पैरेलल में है ये, और वो आएगी 1/3 ऑफ 220। बस इतना ही काम करना होता है आपको, सिर्फ ये पता लगाना होता है कि बल्ब के पास कितना वोल्टेज पहुंच रहा है। अब क्योंकि इसके पास जो वोल्टेज पहुंचा है वो 220 × 2/3 है, 220 होता तो 100 वाट होता, बट 220 × 2/3 आ रहा तो फिर कितना वॉट हुआ यहाँ? 400/9 वॉट यहाँ पर मिलेगा पावर। और B2 220 × 1/3 कितनी पावर जनरेट करेंगे यहाँ? 100/9 यहाँ भी 100/9। लॉजिक समझिएगा, सिर्फ हमें ये पता लगाना होता है कि उस बल्ब में कितना वोल्टेज अवेलेबल, जो बल्ब की अवेलेबल वोल्टेज है उसके रेटेड वोल्टेज से उसको कंपेयर किया जाए, रेटेड वोल्टेज के जितने टाइम्स वोल्टेज उसमें अवेलेबल हो रहा है स्क्वायर ऑफ दैट टाइम्स उसमें पावर कंजम्पशन आएगी। पकड़ पाए लॉजिक? यस सर। यस है ना, इसको छोटा मेथड ही रखो। तो टोटल पावर कंजम्पशन कितनी हुई सर? अगर हम देखें सर, पूछ रहे कि टोटल कितना पावर कंज्यूम किया गया, तो 400/9 + 100/9 + 100/9 मतलब 200/3 वॉट की पावर कंज्यूम।
राइट यस यस नॉट थ्योरेटिकल क्वेश्चन. अगर हम B4 वाला स्विच बंद करते हैं, स्विच इज क्लोज्ड, दैट मींस B4 इज कनेक्टेड नाउ. अभी B4 कनेक्टेड में हो नहीं, वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल है. मुझे सिर्फ इतना बताओ, B4 को कनेक्ट करने के बाद B1, B2, B3 के ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ जाएगा, किसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी और किसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी. कैलकुलेट भी करना है यहाँ पर, सिर्फ लॉजिकली बताना. अगर हम बल्ब नंबर 4 को ऑन कर दें तो ये B2 और B3 है, ये पहले से ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे या इनके डिम हो जाएंगे, ये मतलब पहले से ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे या पहले से कम पावर कंज्यूम करेंगे. पहले से जितने ज्यादा बल्ब आप पैरेलल में लगाते जाओगे रेजिस्टेंस यहाँ उतना ही कम होता जाएगा, B2 B3 कम हो जाएंगे सर इनिशियल. बिल्कुल, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का रेजिस्टेंस को लो कर देता है. तो अगर हम इसको जो ऑन करेंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ डाउन हो जाएगा. अब जब यहाँ रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज भी डाउन होगा. Yes. तो जब यहाँ वोल्टेज डाउन होगा तो यहाँ पर अप होगा, बिकॉज टोटल वोल्टेज कॉन्स्टेंट है. Yes. तो B4 कनेक्ट करते ही यहाँ पर रेजिस्टेंस डाउन होगा, करेस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल डिफरेंस डाउन होगा, यानी इनके पावर्स डाउन हो जाएंगे. और इधर पोटेंशियल डिफरेंस डाउन होगा तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस अप होगा, इसकी पावर बढ़ जाएगी, पहले से ज्यादा ब्राइट हो जाएगी. यही इसके बेसिक क्वेश्चन आते हैं बल्ब वाले क्वेश्चन बुक आ जाते हैं. हालांकि जो एडवांस में भी आता है, ऐसा नहीं. एक क्वेश्चन ये है, ये भी एलिमेंट्री क्वेश्चंस में ही आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस में ही आते हैं. 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब और 220 वोल्ट 60 वाट का बल्ब, कितना मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं ताकि ये दोनों बल्ब सेफली काम करते रहे, कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो इसमें से. मतलब सर 60 वाट और 100 वाट लिमिट है लोग. ये लिमिट होती है 220 वोल्ट 100 वाट, जो रेटिंग होती है ना, रेटिंग हमेशा लिमिट ही होगी. जी सर. राइट, अब कोई आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा 5 स्टार रेटिंग, तो 5 स्टार उसकी लिमिट है, अब 6 स्टार तो बन नहीं जाएगा. जी सर. मैं मार्केट में आप ट्यूबलाइट खरीदने गए, उसने पूछा कितने वाट की देगा, आपने कहा 18 वाट की ट्यूबलाइट दे दो. 18 वाट की ट्यूबलाइट है, घर पे 20 वाट पर ही निकलेगा वो, 18 ही निकल जाए भाई, बोलते समझ गए नहीं. जी सर. हर चीज की रेटिंग होती है, पंखा खरीदते तो आरपीएम की रेटिंग में खरीद के लाते हो, कितने आरपीएम का चाहिए बताओ. मैक्सिमम वोल्टेज क्या दें ताकि ये भी फ्यूज ना करे और ये भी फ्यूज ना करे. सर जैसे सर आपने पहले क्वेश्चंस कराए थे इस तरह उसी टाइप से करने होंगे. बिल्कुल. तो जैसे सर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर हम वी मान ले बैटरी पे जो मैक्सिमम होनी चाहिए, तो V1 और V2 अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उनका सम V के बराबर होना चाहिए, तो वो तो निकाल सकते हैं ना कि अगर और सर फिर रेशियो भी पता चल जाएगा कि पावर और वो वाला रिलेशन देख के. दूसरे वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा. 300 हम वाला 5/8 × V = 220 कर देंगे. बिल्कुल. बल्ब 1 का रेजिस्टेंस R1 और बल्ब 2 की रेजिस्टेंस R2, इनका रेशियो निकाल पाओगे? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब से ज्यादा है, कितना रेशियो बन रहा है इनका? 3:5. तो और अभी आपको बार बार बताया, इस कंसेप्ट को यूज करना सीखो यार. रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही रेशियो सप्लाई वोल्टेज के डिवीजन का होता है. Yes. Supply voltage का division 3 और 5 के ratio में जाएगा, यानी कि यहाँ पर voltage आ जाएगा 3V/8 का और यहाँ पर
अगर हम दोनों को फ्यूज होने से रोकना चाहते हैं तो 5V by 8 should be less than the highest value 220 and this 3V by 8 should also be less than the highest value 220. ले लेंगे. तो मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन यहीं से आ जाएगा. छोटा बन जाएगा. सर वो कम हो जाएगा. और ये अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, it should be less than 352. Yes, yes. मतलब 352 वोल्ट पर लिमिट आएगी. जैसे ही 353 वोल्ट लगाओगे क्या होगा? 353 लगा दिया तो कौन सा बल्ब गया? R2 वाला. दोनों ही जाएंगे. और क्वेश्चन नहीं करा रहे यार, एक्चुअली आप लॉजिक समझ लो, उसमें बार बार यही काम करना होगा. यस सर. क्या चीज असाइनमेंट में क्वेश्चन भेज दीजिएगा इसके. हाँ है, आज वाले असाइनमेंट में जाएंगे. ठीक है, ये सब मेंस में ज्यादा पूछ लेते हैं ये लोग, उल्टे सीधे टॉपिक जो होते हैं ना. अब जैसे एक बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास टेंथ में, इसका थ्योरी था कि फ्यूज वायर किस तरीके से काम करती है. जहाँ हाउस होल्ड वायरिंग बताई गई थी ना आपको क्लास टेंथ के करंट वाले चैप्टर में, हाउस होल्ड वायरिंग बताया. क्या सर उसको तो पढ़ा ही नहीं था, ऐसे ही निकल गया था. कोई बात है, अबाउट डेटेड भी आता है. तब ओम्स लॉ वही जूल्स लॉ फिटिंग एक दो इक्वेशन थ्योरी बहुत बोरिंग पढ़ाते थे सर. अब बता दो लूज वायर, यूज वायर का वर्किंग प्रिंसिपल जल्दी से बताओ. कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर? जैसे मतलब फ्यूज वायर की सर एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है सर, पास करता है सर, तो उसमें जैसे ही वो मतलब लिमिट पहुंच जाती है उस हीट की, वो टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वो मेल्ट करके सर्किट ब्रेक कर देता है. सर्किट ब्रेक करती है तो अप्लायंस है वो बच जाता है. इसका मतलब फ्यूज वायर में एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वायर टूट जाएगा. यस सर. तो इसका मतलब अगर वो मेल्टिंग टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे है तो क्या तब नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा घर में सप्लाई है. नहीं टूटेगा. तो इसका तो लेकिन करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है ना. तो अगर हमारे फ्यूज वायर में करंट जा रही है तो ये करंट यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करेगी. यस सर. तो और अगर वो हीट इस वायर के अंदर एक्यूमुलेट होती चली जाएगी तो एक्सेसिव हीट होने के बाद तो मेल्ट कर जाना चाहिए इसको. यस सर. परमानेंटली करंट फ्लो हो रहा किसी वायर में, कंटिन्यूअसली करंट एक वायर में फ्लो कर रहा, तो ये वायर कंटिन्यूअसली यहाँ पर हीट जनरेट कर रहा होगा. तो क्या ये वायर उस हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है? नहीं करता. बहुत ध्यान रखना, ओलंपियाड हीट और टेम्परेचर अलग अलग चीजें हैं. सुनिए, ओलंपियाड पे जब जाते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड के पेपरों में तो वो क्या करते हैं, इनके ऊपर बहुत डिटेल्ड पैराग्राफ लाते हैं इस कैलकुलस का यूज करके. मतलब नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा होता है फ्यूज वायर के, नॉर्मल कंडीशंस में जब आपके घर में प्रॉपर सप्लाई आ रही है, सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, तो इस करंट का हीटिंग इफेक्ट होगा यहाँ पर. यस. कहाँ जाएगी वो हीट? क्या वो वायर के अंदर उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज होगी? नो सर. वो उड़ जाएगी. सर मेरे हिसाब से ऐसा होगा ना सर, जैसे जब हम लोग का नॉर्मल करंट चल रहा है, जब मतलब रेटिंग से कम ही है, तो सर उस समय उसमें हीट जनरेट होगी, लेकिन सर उस समय वो मेल्ट नहीं होगा तो इसलिए वो फिर सराउंडिंग में निकल जाएगी हीट. फिर जब कहते हैं हम लोग ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो मेल्ट कर जाएगा उतने में ही. हीट तो बनेगी ना. राइट. जो हम करंट भेजते हैं, ध्यान सुनना, आई स्क्वायर आर, हम मान के चल रहे हैं कि कॉन्स्टेंट करंट जा रही है, ये मान के चल रहा हूँ कॉन्स्टेंट करंट है, तो आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस of that fuse wire into time t, ये amount of heat हुआ? Yes, sir. इसका कुछ part wire absorb करेगा. और ये chapter हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, but ICSE class 9-10 वालों को थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है. Yes, sir. I square RT की जो heat इसके अंदर जाएगी, इसका कुछ part इस wire की temperature को raise करने में जाएगा.
यस सर, और वो होता है मास कैलोरीमेट्री चैप्टर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इनटू इसका चेंज ऑफ टेंपरेचर डेल्टा टी. यस सर. यस सर. प्लस कुछ हीट रेडिएट होती है, मतलब वायर्स के अगल बगल खड़े हो जाओ, कभी इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में जाओ, किसी इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिकल पैनल रूम में या घर के, तो वहां पर कुछ ना कुछ हीट बाहर रेडिएट भी होती है. मतलब हीट ट्रांसफर होने के तीन मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. तो ये रेडिएशन वाला मोड होता है, मतलब वायर से सराउंडिंग में रेडिएट होती है, जिसके लिए एक फॉर्मूला है, विच इज स्टीफन्स लॉ. यस सर. वो कहता है सिग्मा इनटू इसका एरिया एंड फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर. ये रेट ऑफ हीट रेडिएशन होता है, मतलब एक सेकंड में इतनी हीट बाहर निकलती है. एक सेकंड की बात है, ये टाइम डेल्टा टी से डिवाइड करें, टाइम से डिवाइड करें, यहाँ भी टाइम को हम डेल्टा टी लेते हैं, मतलब ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल टाइम. मैं अभी बहुत ब्रीफली करूंगा, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जब आप थर्मल हीट रेडिएशन चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद करंट और इसको मिला करके प्रॉपर कैलकुलस का क्वेश्चन बनता है. फिलहाल के लिए किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जितनी हीट करंट ने प्रोड्यूस की, उसका कुछ पार्ट मटेरियल की टेम्परेचर को बढ़ाने में चला गया, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, एंड प्लस कुछ पार्ट ये वायर रेडिएट करता है इनटू द सराउंडिंग, उसका लॉ है स्टीफन्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन. सिग्मा विच इज अ कॉन्स्टेंट, स्टीफन कॉन्स्टेंट, इनटू एरिया जहां से रेडिएट हो रहा है, और फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में. डेल्टा टी से डिवाइड कर लीजिए, इसी को कैलकुलस में जब जाएंगे ना तो यहाँ पर वो बन जाएगा. एक्चुअली अगर हम कैलकुलस में चले जाएं तो ये डी ऑफ कैपिटल टी अपॉन डी ऑफ स्मॉल टी बन जाएगा. ये नॉर्मल कंडीशंस होती है, लेकिन क्या होता है कि एक कुछ समय के बाद, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद भी, इस वायर का एक स्टडी स्टेट आ जाता है, फ्यूज वायर की स्टडी स्टेट आती है. मतलब शुरुआत में वायर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, बट उसके बाद एक स्टेट आती है जिसको हम स्टडी स्टेट कह रहे हैं, जब उस वायर का टेम्परेचर टी मेंटेन हो जाता है, यानी कॉन्स्टेंट हो जाता है. उस टाइम पर ये जो ये वाला फैक्टर है एम एस डेल्टा टी बाई डी टी वाला फैक्टर, बिकॉज जब वायर की टेम्परेचर ही मेंटेन हो जाएगी, चेंज इन टेम्परेचर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तब ये फैक्टर जीरो होता है. एंड उस टाइम पर ये कहा जाता है कि आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इज डायरेक्टली सिग्मा ए टेम्परेचर टू द पावर फोर. बहुत डिटेल्ड प्रॉब्लम बनती है इसके ऊपर. अभी आपके लिए तो वो सब नहीं है, मतलब आपके लिए इसलिए नहीं है कि जेई तक तो ये पूछेंगे इसको. अरे मेंटेन क्यों जाता है? अब वो नेचर है उसका, ऐसा थोड़ी कि फ्यूज वायर पर, क्योंकि यार प्रैक्टिकली सोच के देखिए, अगर फ्यूज वायर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जाएगा तो कभी ना कभी तो मेल्ट हो ही जाएगा वो, सालों साल चलते हैं फ्यूज वायर. सर जैसे आपने कहा कि सर जो हीट है सर वो फ्यूज वायर के अंदर ही एक्युमुलेट हो रही है सर, मतलब वो किस फॉर्म में, मतलब क्या हो रहा है उसका असल में? तो टेम्परेचर बढ़ती है ना, हीट किसी मटेरियल के अंदर जब एक्युमुलेट होती है तो उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है, ये कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल कहते हैं. तो सर क्या मतलब वो अपनी मैक्स लिमिट तक नहीं जा सकती क्या हीट एक्युमुलेट होते होते? हो सकती है, लेकिन नॉर्मल करंट्स में नहीं होता वो. सिर्फ नॉर्मल करंट्स का मतलब लिमिटिंग करंट जो होती है कि एक सर्टेन करंट के नीचे आने पर वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एक स्टेट ऐसी अचीव करता है जहां पर जो हीट करंट की वजह से आई वो उसने एब्जॉर्ब की ही नहीं, उसी को तो स्टडी स्टेट कह रहे हैं. जी सर. मतलब कुछ टेम्परेचर राइज होगा, जैसे ही आप करंट ऑन करोगे फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ करके एक वैल्यू पर जा करके फिक्स हो जाएगा. वो फिक्स वैल्यू तब आ रही है जब करंट वाली हीट को वो 100% सराउंडिंग में रेडिएट कर दे, एब्जॉर्ब करना बंद कर दे. मतलब टेम्परेचर डायनामिक, हाँ ये कह सकते हो. तो तब होगी ना जब करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा. हाँ तो करंट तो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर कहा था मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ.
क्वेश्चन की स्टार्टिंग। खैर इसके बाद आइए, इससे लिमिट ऑफ करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम कितना करंट इसमें भेज सकते हो वो निकालना है, लिमिट ऑफ करंट। तो उसके लिए हम ये मानेंगे कि फ्यूज वायर की लेंथ एल है और सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसका जो रेडियस है, फ्यूज वायर की लेंथ एल है, सिलेंड्रिकल वायर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। जिस मटेरियल का यूज किया गया है फ्यूज वायर को बनाने के लिए, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है और उस मटेरियल की डेंसिटी डी। नाउ आई स्क्वायर रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट, कैपिटल ए एरिया फ्रॉम विच द हीट इज रेडिएटेड, सिलेंडर के कर्व सरफेस से रेडिएट कर रहे हैं, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर 2πRL, एंड द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। जब आप इसमें लिमिटिंग करंट कैलकुलेट करोगे यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्यूज वायर की, तो करस्पॉन्डिंगली हम उसका मेल्टिंग टेम्परेचर यूज करेंगे। कंप्लीट थ्योरी देखो, मैं पहले ही बोल चुका था प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कि फ्यूज वायर की कंप्लीट थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड। हम लोग बड़े बहुत सिंपल वर्जन पढ़ते हैं इसका, ये मानते हुए कि ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा स्टडी स्टेट आने के बाद। इससे आप ये कैलकुलेट करके बताओ कि जो लिमिटिंग करंट होती है फ्यूज वायर की, जो लिमिटिंग करंट है वो उसकी लेंथ और रेडियस पर किस तरीके से डिपेंडेंट है, सॉल्व करके देख लो आप इसको, एंड जस्ट ये बताओ द लिमिटिंग करंट ऑफ द फ्यूज वायर इज इट प्रोपोर्शनल टू द रेडियस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, या फिर किसी और पावर पे डिपेंडेंट है, क्या है वो चीज? V by 2। तो लिमिटिंग करंट ऑफ अ फ्यूज वायर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर टू द पावर व्हाट? V by 2। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये लेंथ पे डिपेंडेंट है? देखो नो सर। एक्चुअली लेंथ वाला टर्म कैंसिल हो रहा है यहां से, यानी कि फ्यूज वायर छोटा हो चाहे बड़ा हो उसकी लिमिटिंग करंट सेम रहती है, बट अगर फ्यूज वायर की थिकनेस चेंज करिए, मतलब कि मान लीजिए कोई फ्यूज वायर है और उसकी लिमिटिंग करंट 10 एम्पियर की है, मतलब कि 10 एम्पियर से ज्यादा का करंट जाने पर वो फ्यूज वायर ब्रेक कर जाएगा, तो अगर हम उससे डबल रेडियस का फ्यूज वायर बनाए, एक फ्यूज वायर है किसी गिवन रेडियस का और वो 10 एम्पियर की करंट सस्टेन कर सकता है, उसी मटेरियल की डबल रेडियस की फ्यूज वायर कितनी करंट सस्टेन कर पाएगी? 2√2 टाइम्स ऑफ। तो अब ये आएगा, हाँ, लिमिटिंग करंट प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर 3/2। तो अगर डबल रेडियस करेंगे तो 2 to the power 3/2 2√2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 10 एम्पियर का 2√2 कर लीजिए तो अराउंड 28 एम्पियर के आसपास पहुंच जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फिर वो क्वेश्चन कहते हैं कि हमने फ्यूज वायर डबल लेंथ का बनाया, तो नाउ द लिमिटिंग करंट विल इंक्रीज या डिक्रीज, इट विल रिमेन सेम। तो हमें डेरिवेशन कर रखी, हमें साफ दिख रहा है कि लेंथ पर तो डिपेंड कर ही जाओ, आया कुछ क्लियर है? तो सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा इस इक्वेशन के ऊपर। सर एक चीज बता दीजिए बस। सर मतलब आपने कहा कि आपने करंट कांस्टेंट माना था, तो मतलब वो थ्रू आउट स्टार्टिंग से ही कांस्टेंट था ना, कि मतलब हां स्टेडी स्टेट आने के बाद हुआ? नहीं, थ्रू आउट कांस्टेंट है। ओके, मूव करें आगे। यस 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 सर, छिटपुटिया टॉपिक है, ध्यान रखना, ये जितने पापी लोग होते हैं उनके पेपरों में आते हैं। देन एक क्वेश्चन और है जो पावर ट्रांसमिशन के ऊपर आता है। अब ये हमें नहीं पता तुम में से कितने लोग को आइडिया है इसका, पावर ट्रांसमिशन का। हाँ, इतना जरूर पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर नाम सुना होगा कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं। यस सर। यस सर। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? देखिए, मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारे पास मान लो कोई पावर हाउस है, क्यों करते हो भाई ये काम?
हमारा कहने का मतलब जो पावर हाउस है सर वो लॉस हो जाता है अगर हां सर लॉस कंपनसेशन डायरेक्ट भेजेंगे इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप डाउन करता है। हां इसका न्यूमेरिकल वर्जन देखिए, मान लीजिए पावर हाउस और पावर हाउस के बाद आपका पास मान लो यहां पर कोई या यहां पर कोई आपका घर भर है तो आपके घर के जस्ट पहले मोहल्ले में कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर लगा होगा आसपास है यार। अच्छा तो हमारे हमारे को जो सप्लाई आती है वो तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से आती है और ट्रांसफार्मर्स की एक प्राइमरी कॉइल भी होती है जिसके थ्रू हमारा पावर हाउस कनेक्टेड है। यस ये सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर है प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल एंड ये जो होता है ये बेसिकली ट्रांसफार्मर का कोर होता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो सप्लाई की जाती है वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे की जाती है अराउंड 11,000 के वोल्ट पर है। इसको एचटी लाइंस भी कहा जाता है कहीं लिखा होता है क्वेश्चन करके एचटी लाइंस हाई टेंशन और उसके बाद ट्रांसफार्मर आपके घर तक इसको 220 वोल्ट कर देता है। तो ये क्वेश्चन ये उठाता है कि जब 220 वोल्ट की ही सप्लाई दे रही थी तो फालतू में यहाँ 11,000 वोल्ट क्यों सप्लाई कर रहे थे, ट्रांसफार्मर लगाने की क्या जरूरत थी, सीधा 220 वोल्ट दे देते यहाँ पर। ऐसा कुछ था कि वो पावर लॉस हो जाती है सर, वो अवॉइड से करना होता है तो सर लॉस ना हो ज्यादा लॉस से बचने के लिए लॉस मतलब तो क्या वो लॉस इतना ज्यादा है इकोनॉमी के टर्म्स में कि हमें ट्रांसफार्मर की कॉस्ट से भी ज्यादा है, मतलब एक ट्रांसफार्मर भी तो अच्छा खासा पैसा लेगा। जी सर काफी था इतना मतलब वही अब कंट्री की इकोनॉमी पावर पे चल रही है पूरी। पावर इंप्रूव तो कंट्री में पैसा। एक्चुअली क्या होता है भाई, जो पहली बात तो आप क्या करते हो पावर ट्रांसमिट करते हो, नाम सुने कभी भी पावर हाउस लिखा होता है, करंट हाउस और वोल्टेज हाउस आज तक नहीं सुना होगा आपने कि करंट हाउस है वोल्टेज पावर हाउस। तो एक्चुअली ट्रांसमिशन पावर का करते हैं, मतलब प्राइमरी कॉइल के पास ये 11,000 वोल्ट पर सप्लाई हो रही है, 11,000 वोल्ट कहाँ का वोल्टेज है जब ये कहा जाता है कि पावर इज ट्रांसमिटेड एट 11,000 वोल्ट, तो ये 11,000 वोल्ट कहाँ का वोल्टेज है? जब स्टार्ट होता है तो पीडी है क्या? ये होता है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल्स के दोनों एंड के बीच का। यस सर। अक्रॉस दिस प्राइमरी कॉइल यहाँ पर 11,000 वोल्ट का सप्लाई है। और ऐसा कहा जाता है कि हम इतने मेगावाट का पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं। अब कभी भी आप न्यूज सुनते होंगे कि इतने मेगावाट इतने किलोवाट की पावर प्लांट बनाई जाएगी, तो आप एक डेफिनेट पावर को ट्रांसमिट करते हो। फॉर एग्जांपल 11,000 वोल्ट ट्रांसमिटेड एंड सपोज दैट हम यहाँ पर 10 मेगावाट पावर सप्लाई कर रहे हैं, 10 मेगावाट पावर इज सप्लाइड एट 11,000 वोल्ट। तो 11,000 वोल्ट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और 10 मेगावाट हम लोगों ने यहां से जनरेट किया था जिसको आगे ट्रांसफर किया। नाउ हम ये निकाल सकते हैं कि पावर इक्वल टू वी इनटू आई, पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द करंट। यस यस। तो हम करंट निकाल सकते हैं ना कि कितनी करंट हमने ट्रांसमिट की होगी। ट्रांसमिशन करंट विल बी द पावर विच इज ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय द वोल्टेज एट विच द पावर इज ट्रांसमिटेड। और ये जो ट्रांसमिशन वाली करंट होगी ये जाएगी तो उन केबल्स के थ्रू ही ना जो केबल पावर हाउस को ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर रहे होंगे, जो जो खंबे के तार होते हैं बड़े बड़े तार। yes. और इन केबल्स का रेजिस्टेंस अगर आरसी हो, केबल्स की रेजिस्टेंस आरसी, और आई करंट हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को और आई करंट वापस पावर हाउस में जाएगी, पावर हाउस से जस्ट लाइक अ बैटरी, तो एक बैटरी है जिसने करंट भेजा था और करंट वापस आ गई बैटरी। तो जो केबल्स हैं जो ट्रांसफार्मर को पावर हाउस से कनेक्ट कर रहे हैं इनके अंदर कितना हीट आएगा, मतलब हीट लॉस इन ट्रांसमिटिंग केबल्स, तो ये हम निकालेंगे I square multiplied by the resistance of cable. I square
यानी कि पावर ट्रांसमिशन का स्क्वायर अपॉन वोल्टेज ट्रांसमिशन का स्क्वायर, दिस इज आई स्क्वायर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दैट केबल. और हम लोग का इकोनॉमी में सारा फोकस इसके ऊपर होता है कि जो केबल्स है वहां पर लॉस को मिनिमाइज किया जाए, मतलब इन ये जो तार जाते हैं बिकॉज इन तारों में जो पावर है वो बेकार जा रही है. कटिया डाल लो अलग बात है, राइट? यस सर, यस सर. मतलब लोग दिमाग लगाते हैं वो पावर को यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पर कटिया डाली यहाँ डाली हो गया पावर यूज. यहाँ से ये होता है कि अगर आपका ट्रांसमिशन वोल्ट फॉर अ गिवन पावर, फॉर अ गिवन ट्रांसमिटिंग पावर, यानी कि अगर हमको 10 मेगावाट फिक्स है और मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं 10 मेगावाट को 1000 वोल्ट पर ट्रांसमिट कर सकता हूँ और 10 मेगावाट को 11000 पर भी ट्रांसमिट कर सकता हूँ, तो मैं क्या प्रेफर करूँ? पावर फिक्स है 11000. हाँ, जितना ज्यादा आप ट्रांसमिटिंग वोल्टेज दोगे, ट्रांसमिशन वोल्टेज जितनी हाई रखोगे, ये जो केबल्स हैं पावर हाउस से ट्रांसफार्मर तक आने वाली, इनके अंदर लॉसेस उतने ही कम होंगे, यानी कि जितनी पावर यहाँ पर जनरेट होगी ऑलमोस्ट वो सारी की सारी पावर यहाँ तक पहुंच जाएगी. सर, टेंथ बुक में ये दिया हुआ था कि अगर 11000 से कम पे करते हैं तो बहुत हाई करंट होता है और उससे अगर ऊपर करते हैं तो इंसुलेशन में डिफिकल्टी आती है. वो भी है फैक्टर्स, मतलब वो तो कंप्लीट इंजीनियरिंग का पार्ट बोल रहे हो. ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है, एक्चुअली फैक्टर्स पर ये भी होते हैं कि ये जो वोल्टेजेस हैं वो 11 के मल्टीपल्स पे क्यों होती है. मतलब कभी भी सुना करो 11000, 33000, 22000, ऑलवेज मल्टीपल्स ऑफ 11. यस सर. तो इनके पीछे भी अलग लॉजिक है इंजीनियरिंग के. 11 का नंबर कहाँ से आया? बट वो सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चले जाओगे आप, अभी नहीं जाना. अभी आपके लिए टेम्परेरी ये है कि न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, हमें केबल का रेजिस्टेंस दिया होता है. न्यूमेरिकल्स में हमें रेजिस्टेंस ऑफ केबल प्रोवाइडेड होता है, ट्रांसमिटेड पावर प्रोवाइडेड होती है, ट्रांसमिटेड वोल्टेज दिया होता है और पूछते हैं व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द केबल्स. तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे इसके हिसाब से. मूव करें आगे. यस सर. अरे आपने ये जो 11000 वोल्टेज दिए, ये तो एग्जांपल दिया ना, मतलब कि इससे ज्यादा भी वोल्टेज फिर तो रख सकते हैं. अब वो डिपेंड करता है सप्लाई कहाँ हो रही है, रेजिडेंशियल एरिया में हो रही है कि इंडस्ट्रियल एरिया में हो रही है. रेजिडेंशियल एरिया में तो 11000 भी बहुत ज्यादा है. अरे भैया ये भी तो देखना है कोई इसके ऊपर कपड़े ना सुखा ले. यस सर. वैसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अपार्टमेंट के बाहर तार जा रहे, तार पे ही कपड़े सुखाने चले रहते हैं और पता चला खुद ही सूख गए. इंडस्ट्रियल एरिया भाई बिल्कुल जाके खेतों में बनते हैं, वहां पर आप ट्रेन के ऊपर वाली केबल 25000 वोल्ट पे चल रही. जो इलेक्ट्रिक इंजन वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं. yes. अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग यूजेस हैं इनके. अच्छा, एक और पावर का क्वेश्चन है जो आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो जरा. ये उसके ऊपर है, इमर्जन रॉड के ऊपर जो पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं. तो विंटर्स में जब तक ये हीटर वगैरह नहीं आते, गीजर वगैरह नहीं आते, तब तक जो देसी मेथड है वो तरीका क्या होता है, देसी मेथड पानी गर्म करने का? रॉड गर्म करके पानी में वो कॉइल्ड रॉड उसी को डाल देते हैं. तो वो कह रहे हैं कि हमारे घर में ऐसे दो रॉड हैं, दो अलग अलग कंपनीज के रॉड हैं और एक हीटिंग कॉइल जो है, मतलब आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन में बताना, एक हीटिंग कॉइल है वन और ये T1 टाइम कंज्यूम करता है, T1 टाइम लेता है पानी को गर्म करने में, और एक दूसरी हीटिंग कॉइल है मे बी थोड़ी सी बेटर क्वालिटी की और वो T2 टाइम लेती है उसी पानी को गर्म करने में, और पानी का अमाउंट फिक्स है, मतलब जितना पानी यहाँ पर है उतना ही पानी यहाँ भी ले रहे. मतलब अगर एक हाफ बकेट या फुल बकेट लिया है तो फुल बकेट यहाँ भी है, फुल बकेट यहाँ भी है और बकेट साइज भी सेम है. और सर 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 सेम टेम्परेचर से दोनों को हीट करता है? हाँ हाँ, मतलब कोल्ड वाटर को और आपने मान लीजिए
100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके फिर उसके बाद नहाएंगे हम लोग, मतलब फ्रीजर से पानी निकालना है और 100 डिग्री तक लेके जाना है उसको। Yes, sir. करेगा कोई नहीं ऐसा, मतलब सर मतलब आपने क्या स्टेटमेंट्स बोले थे एक बार फिर से बता। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चेंज ऑफ टेम्परेचर इन बोथ सेम। नहीं सर, उसके पहले क्या बोला था सर कि मतलब कोई बेटर है, आपने ऐसा कुछ बोला था? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दो अलग अलग क्वाइल्स हैं, मान लीजिए हो सकता है कि एक कॉपर की क्वाइल है और एक मतलब थोड़ा सा मिलावटी कॉपर है, तो क्योंकि वो क्वाइल्स की क्वालिटी में फर्क है इसलिए वो अलग अलग टाइम ले रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ वाटर को सेम टेम्परेचर तक इंक्रीज करने में, ठीक है? और कोई इसका पॉइंट नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इन दोनों कॉइल को एक साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो हमारा बॉइलिंग टाइम कम होगा या ज्यादा होगा? इंडिविजुअली कॉइल वन टेक्स T1 टाइम टू बॉइल द वाटर, इंडिविजुअली कॉइल टू टेक्स T2 टाइम टू बॉइल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द सेम टेम्परेचर इफ वी कनेक्ट देम इन सीरीज, द वाटर विल बॉइल इन अ लेस टाइम और मोर टाइम। एंड अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होगा? दोनों की रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, अलग अलग है? नहीं, अलग अलग होंगे ना, तभी तो वो अलग अलग टाइम ले रहे हैं। अच्छा हाँ सर, ओके। अच्छा ये सब मैं फिर बोला, एक्चुअली मेंस के जो क्वेश्चन है उनमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के लैंग्वेजेस पे कुछ हद तक आपको एजम्पशन दी देनी। हाँ सर, सिंपली सर, सर मान लीजिए कॉइल 1 के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो v²r(T1)MS∆t और फिर दूसरे कॉइल के लिए v²r(T2)MS∆t फिर दोनों पैरेलल में भी सर लगा देंगे तो टाइम निकल जाएगा सर, अपने आप ही आ जाएगा सर, बड़ा है कि छोटा है। राइट, बाकी लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस क्वेश्चन आंसर नहीं, आंसर नहीं। अकेले अकेले जो ये कॉइल्स हैं वो T1 T2 का टाइम ले रहे हैं। यस, जब दोनों को सीरीज में लगाएंगे तो कितना टाइम लगेगा टी सीरीज में, और जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो इसकी जल्दी होगा? हां जी बच्चे, पैरेलल में जल्दी होगा? हमें नहीं मालूम, तो करके आप बताओ। ये तो एक्सपेरिमेंट कर आराम से कराया जा सकता है। खैर लॉजिक सुनिए, जो हमारे हीटिंग कॉइल्स हैं अगर हम उनको मान लो कनेक्ट करते हैं तो v²/r मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, पावर हो गई, पावर इनटू टाइम ये अमाउंट ऑफ हीट हो गई, और कैलोरी मीटर के हिसाब से ये मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये क्वेश्चन समझ में आ रही? यस यस। तो जब हम अलग अलग क्वाइल्स यूज करेंगे, मान लीजिए सिर्फ क्वाइल 1 को यूज कर रहे हैं। नहीं सर, सर तो आपने बोला था T1 टाइम में मतलब कॉइल 1 करता है, T2 टाइम में कॉइल 2 करता है, आपने पूछा कि सीरीज पैरेलल में अलग अलग बताओ कि कौन मतलब ज्यादा करेगा या कम टाइम में करेगा, तो सर कौन से टाइम के कंपैरिजन में ज्यादा करना है? इन दोनों से ही मतलब, तो दोनों से ज्यादा मतलब सीरीज में तो दोनों से ज्यादा होगा। अच्छा सर, मतलब ओरिजिनल टाइम से कंपेयर करना है क्या? अरे भाई मान लो कि ये 10 मिनट है, ऐसे मान लो, मान लो पहली कॉइल 10 मिनट में पानी गर्म कर रही है, दूसरी कॉइल 15 मिनट में कर रही है, अब बताओ जब सीरीज में लगाएंगे तो कितने मिनट्स में पानी बॉयल हो जाएगा, ऐसे बताओ सर। चलो ये कर दो, पहली कॉइल 10 मिनट, दूसरी कॉइल 15 मिनट, हमने क्या किया, जुगाड़ किया, दोनों को सीरीज में लगा दिया, फिर पानी गर्म किया, तो अब मुझे 10-15 मिनट जो लग रहे थे कितना टाइम लग जाएगा उस पानी को गर्म होने में? लेस देन 10 मिनट होगा, 10 और 15 के बीच का कोई टाइम आएगा। सीरीज में 25 मिनट लगेंगे, 25 मिनट हो जाएंगे, मतलब दोनों का टाइम ऐड हो जाएगा। क्योंकि लॉजिक क्या है आपका, ये इक्वेशन बन रहा है, तो जब आपका सिर्फ कॉइल 1 होगा तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 1 लगाओ और यहाँ पर टाइम टेकन बाय द कॉइल 1 होगा। सिमिलरली जब सिर्फ कॉइल 2 होगा तो v²/r(T2) इज ms∆t बिकॉज़ अमाउंट ऑफ वाटर सेम है दोनों,
तो जब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के करेंगे तो हम लिखेंगे v स्क्वायर अपॉन r1 प्लस r2 इनटू t टाइम टेकन इन द सीरीज कॉम्बिनेशन अगेन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। इन तीनों इक्वेशंस को जब हम देखेंगे तो इन तीनों इक्वेशंस से एक बात समझ में आ रही है that t1 upon r1 is equal to t2 upon r2 is equal to t series upon r1 plus r2 यानी कि टाइम रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ रहा है। यस सर। बताओ कि टाइम कितना आएगा इसके हिसाब से करके बताओ। t1 plus t2 आ जाएगा। t1 plus t2 आ रहा है सर। ये रिलेशन साफ कह रहा है कि जो टाइम टेकन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होंगे तो टाइम भी ऐड हो जाएंगे यानी कि 10 और 15 ऐड करके हो जाएगा 25 मिनट। पैरेलल में सर 6 आएगा। हां 1 / 1 / 1 / 2 इनके टाइम उसी कॉम्बिनेशन में ऐड होंगे जिस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है। यस सर। अब एक क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि हम यहां पर पावर के लिए i स्क्वायर r क्यों नहीं लगा रहे, हम लोग बार-बार पावर के लिए v स्क्वायर / r क्यों लगा रहे हैं। हम इसमें आई स्क्वायर आर भी तो लगा सकते थे ना, तो अगर हम यहाँ आई स्क्वायर को लगा सकते हैं लेकिन सर दोनों के थ्रू जो करंट है उसका कोई गारंटी नहीं है सर कि मतलब किस मैग्नीट्यूड में दोनों में अलग अलग होगा सर, क्योंकि आर वन और आर टू अलग है तो सर आई हम अलग हो जाएगा, आई भी अलग आर भी अलग। तो इसकी कैसे गारंटी ले रहे हो कि वी सेम होगा, क्योंकि सर हम लोग कोई उसको प्लग में लगा रहेंगे तो उसमें 220 या सोर्स फिक्स्ड है उसी से जितना करना पड़ेगा सेम वोल्टेज के अकॉर्डिंग हीटर सोर्स तो सेम है। जिस सॉकेट में आप पहली कॉइल लगाओ क्योंकि हम मतलब हम एक ही चीज को हीट कर रहे हैं और वो दो अलग अलग चीज से कर रहे हैं तो सर वो चीज जिसको हम हीट कर रहे हैं वो तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के अक्रॉस ही लगी होगी ना। राइट। ये एक्चुअली क्या होता है जितने हाउस होल्ड मतलब आपके घर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब सेम वोल्टेज पे चलते हैं, पूरे घर में सेम वोल्टेज आ रहा होता है। किसी भी प्लग में आप कनेक्ट कर दीजिए 220 वोल्ट मिलेगा। यस सर। ये ध्यान रखना होता है जितने आपके हाउसहोल्ड आइटम्स हैं वो सब उन सब के ऑपरेटिंग वोल्टेजेस सेम है। यस सर। पूरा हाउस की वायरिंग पैरेलल में कनेक्टेड होती है। हां एक्चुअली वायरिंग जो होती है घरों की वो सब पैरेलल में होती है तो सब 220 वोल्ट होते हैं। मतलब 220 ऐसा कहा जाता है, कभी कभी आप नापोगे तो 250 भी निकल जाता है। सर एक चीज बताइए, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे दोनों हीटिंग कॉइल तो फिर सर हम ये कह रहे हैं कि जो उसका आई है वो वेरिएबल होगा उसका करंट, तो सर फिर आई जाएगा कहाँ पर, जब सीरीज कनेक्शन है तो फिर मतलब आई तो कांस्टेंट ही होना चाहिए ना सर। अरे वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हम कॉइल वन को सॉकेट में लगाएंगे तो कॉइल वन में मान लो 20 एम्पीयर करंट जा रही है। Yes, हम दोनों कॉइल को सीरीज में लगा करके सेम सॉकेट के अंदर जब कनेक्ट करेंगे तो 20 से कम एम्पियर जाएगी। यस सर। यहाँ पे हमें मास 2m नहीं लेना चाहिए आखिरी वाले केस में। नहीं हमने कहा पानी तो एक ही बाल्टी पानी को गर्म करोगे यार, ऐसा थोड़ी है कि दो सीरीज में लगा के दो बाल्टी पानी गर्म कर लेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर तो सेम है। yes. बस हम सिर्फ ये जुगाड़ लगा रहे हैं कि यार एक कॉइल लगाया था मान लो, अब जिसको फिजिक्स नहीं आती उसने सोचा कि लाओ दो कॉइल को सीरीज में मिला करके लगा देते हैं पानी जल्दी गर्म हो जाएगा और वो उल्टा पड़ गया और ज्यादा ही टाइम लग गया। हाँ। और आप बैठो 25 मिनट बाथरूम में नहाने के लिए। पैरेलल में बोलो, पैरेलल में यहाँ पर टी पैरेलल तो यहाँ पर दोनों का रेजिस्टेंस पैरेलल में R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 यानी यहाँ पर इक्वेशन बनेगी T पैरेलल और यहाँ पर बन जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R2। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि T1 बाय R1 इक्वल टू T2 बाय R2 equals to time taken in the parallel combination into 1 upon R1 plus 1 upon R2। कह सकते हैं कि नहीं इसको? Yes। तो इसके हिसाब से टाइम किस चीज पे डिपेंड करेगा?
निकाल पाएंगे टाइम नहीं निकाल पाएंगे भाई इसके हिसाब से निकाल लेंगे निकाल लें यस सर मतलब तो ये जो टाइम आएगा ना ये आप कैलकुलेट करना मैथ लगाओ तो इसी टाइम पैरेलल विल बी टी1 एंड टी2 अपॉन टी1 प्लस टी2 मतलब कि रेजिस्टेंस के तरीके से टाइम का कॉम्बिनेशन होता है तो 10 और 15 यानी अब कितना हो जाएगा सर 6 मिनट छह मिनट हो जाएगा ऐसे हो और इसी का एक एडवांस वर्जन है इस प्रॉब्लम का लेकिन वो अभी नहीं कर रहे हैं वो आपको बता दे रहे कैसे करना है जो कि मतलब पूछ चुके हैं ऑलरेडी ओलंपियाड में पूछ चुके हैं इसमें हमारे पास 3 क्वाइल्स है C1 क्वाइल C2 क्वाइल C3 क्वाइल क्वेश्चन बता क्वेश्चन ही बोले 3 हीटिंग क्वाइल्स C1 C2 C3 जब C1 और C2 को पैरेलल में लगाया और C3 उसके साथ सीरीज में कर दिया C1 C2 इन पैरेलल एंड C3 इन सीरीज विद देम मतलब इन दोनों के पैरेलल के साथ C3 को सीरीज में रखा तो बॉइलिंग टाइम इज T1 बॉइलिंग टाइम T1 है देन C2 C3 पैरेलल में किए और उसके साथ C1 को सीरीज में लगाया एंड द बॉइलिंग टाइम इज T2 एंड देन C1 C3 को पैरेलल में किया और उसके बाद C2 उसके सीरीज में लगाया तो हमारा बॉइलिंग टाइम T3 है क्वेश्चन था कि इंडिविजुअल क्वाइल्स की वजह से बॉइलिंग टाइम कितना होगा इंडिविजुअल क्वाइल्स की बॉइलिंग टाइम क्या बनेगी ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने यस सर और अभी आपको रूल बता दिया है इंडिविजुअल क्वाइल का बॉइलिंग टाइम और क्वाइल्स के कॉम्बिनेशन की बॉइलिंग टाइम का जो रिलेशन है वो रेजिस्टेंस जैसा ही है yes. पर यहाँ पे तीन वैल्यू मान के कर लेंगे बनाओ तो इक्वेशन सॉल्व करना प्रॉब्लम है ये बोलने में आसान लग रहा है सबको आसान लगेगा वो जो तीन इक्वेशन एलिमिनेशन करने में टाइम लगेगा तो कर देखो और बेटर होगा मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूँ सपोज करो जो T1 है वो 20 है T2 इज 10 और T3 इज 30 तो ज्यादा बेटर होगा सर हाँ मान लीजिए सिंबल्स के फॉर्म में करेंगे तो मतलब बड़ा आंसर आएगा कि ऑब्वियसली बड़ा आंसर आएगा प्रॉब्लम नहीं है देखो लॉजिक तो पता चल ही गया ना क्या करना है इसमें बट सिर्फ मैथ वाला प्रॉब्लम है कि 3 वेरिएबल्स की 3 इक्वेशंस आएंगी उनमें से वेरिएबल एलिमिनेट कैसे तो जिसके अलजेब्रा अच्छी होगी वो कर लेगा सर एक चीज जानना चाह रहे थे सर मतलब यहां आपने ms डेल्टा t से इक्वेट किया सर तो सर मतलब वो एब्जॉर्प्शन आपने नेगलेक्ट किया है मतलब वो नहीं माना था ना किसका एब्जॉर्प्शन तो मतलब वो फ्यूज वायर वाले में 2 टर्म्स थे एक वो वाला भी तो था सर एब्जॉर्प्शन वाला टर्म वो आपने नेगलेक्ट किया है नेगलेक्ट किया है और एब्जॉर्प्शन कर किया है रेडिएशन हमने माना है कि सारी की सारी हीट पानी में ही हां सर मतलब वो वाला टर्म नेगलेक्ट किया ना आपने हां आपको अरे बिल्कुल करना मतलब पड़ेगा सब भी एफिशिएंसी पूरी मानी गई है वरना तो अजीब हो जाएगा यार अगर हम सब कुछ कंसीडर कर लेंगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है फिर यस yes, सर जी सर और एक छोटा टॉपिक और बता दें जो आज के असाइनमेंट्स में उसके भी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें वो एक्चुअली इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं That is combination of cells के ऊपर जिसमें ये पूछते हैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें equivalent EMF पूछते हैं तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं हाँ यार वो एक तो होता है सीरीज वाला डायरेक्ट समझ आता है उसमें हाँ बस बस जस्ट बता देते हैं यार असाइनमेंट भेजनी है इसकी ना तो वो कहीं ना कहीं ऐसे करके कई सारे सेल्स मान लो कनेक्टेड है एंड सपोज EN RN तक
और ये किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो गए कैपिटल आर से, तो कितनी करंट यहां पर फ्लो होगी इस रेजिस्टेंस में, वो हम किरचॉफ लॉ से निकाल सकते हैं। ये आई आप किरचॉफ लॉ से निकाल सकते हो। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किरचॉफ रूल बनाए यहां से चलते हुए अगर ऐसे जाए, तो केवीएल लगा रहे हैं यहाँ पर, देखो केवीएल लगाए यहाँ से चले राइट साइड, तो आई इंटू आर सिग्मा, फिर जब वापस आएंगे रिवर्स डायरेक्शन में इधर वापस आओगे माइनस हो जाएगा, तो प्लस आई आर एन मतलब जितने भी आई इंटू स्मॉल आर है वो सब ऐड होते जाएंगे, प्लस आई यहाँ आर वन प्लस आर टू एंड सो ऑन अप टू आर एन, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लौट के वापस आ रहे होंगे तो यहाँ माइनस ई एन माइनस ई थ्री माइनस ई टू माइनस ई वन वो सब राइट साइड चले जाएंगे, ये बन जाएगा ई वन प्लस ई टू एंड सो ऑन अप टू ई एन। इससे जब हम आई को सॉल्व करते हैं तो करंट की वैल्यू मिल जाती है कैपिटल आर प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर एन, और इस रिजल्ट को कंपेयर करें करंट सप्लाइड बाय द सिंगल बैटरी, जो हमारा बेसिक रिजल्ट होता है कि अगर ईएमएफ ई और रेजिस्टेंस आर की एक सिंगल बैटरी से अगर हम कैपिटल आर को करंट सप्लाई कर रहे होते, और अगर ये सिंगल बैटरी उतनी ही करंट सप्लाई करे जितनी की ये सारे बैटरीज मिल करके कर रहे, इन सभी सेल्स का कॉम्बिनेशन मिल करके कैपिटल आर को जो करंट दे रहे हैं उतना करंट अगर अकेला कोई बैटरी प्रोवाइड कर दे तो ये बैटरी इन सब की इक्विवेलेंट कहलाएगी। Yes, तो ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब विच गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ करंट टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, द सेम अमाउंट ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन इट इज द इक्विवेलेंट बैटरी, और ऐसा होता तो हमारे लिए कैपिटल आई बनता है इक्विवेलेंट ईएमएफ ओवर द कैपिटल आर इक्विवेलेंट, और इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट करेंगे, दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर लेंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है, और वो रिजल्ट कुछ ऐसा आता है इक्विवेलेंट ईएमएफ ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री एंड सो ऑन दैट इज समेशन ऑफ ई आई एफ, और आर इक्विवेलेंट को जब कंपेयर करेंगे तो आर इक्विवेलेंट विल बी समेशन ऑफ R1 plus R2 plus and so on। है आसान टॉपिक मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है। Yes। पर एक डाउट था सर अभी छोटा था कि सर जैसे एक बैटरी को बहुत ज्यादा यूज कर लें तो क्या सर उसका EMF में कोई फर्क पड़ता है कि वो नहीं, थ्योरेटिकली तो थ्योरेटिकली नहीं पड़ता, प्रैक्टिकली पड़ता है, क्योंकि सर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसी का जो सर रिजल्ट आया है कि अगर सर दो बैटरी को सर अगर मतलब अपोजिट टर्मिनल पे कनेक्ट करें तो ई वन प्लस ई टू हो जाएगा उसका रिजल्टेंट ईएमएफ, तो सर उस तो सर मतलब ऐसे तो फिर सर अगर सेल्फ जो हम लोग रिमोट या फिर किसी नॉर्मल डिवाइस में भी गलत तरीके से फिट करें तो भी सर करेंट फ्लो करना चाहिए अगर एक बहुत पुराना सेल है और एक बहुत नया सेल है, पर सर ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है तो सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। रिमोट के सेल्स सीरीज में होते हैं या पैरेलल में होते हैं? पैरेलल में होते हैं सर। सीरीज में भैया रिमोट के सेल्स में जिस तरफ एक सेल का पॉजिटिव होता है दूसरी वाली सेल का उसका नेगेटिव होता है ना सर, सीरीज में तो एक के प्लस के साथ दूसरे का माइनस कनेक्ट करते हो तो वो यही चेंज हो गई, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस और प्लस का कनेक्शन जब होगा तो सीरीज में लगे वो, तो रिमोट के सेल्स ईएमएफ बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं सर आपको कितने रिमोट वाले सेल्स का देखो तरीका ये होता है, मान लो एक सेल यहां होती है, अब आपको पता नहीं उसकी वर्किंग पता नहीं पता है, एक सेल का पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ, तो जो बगल में दूसरी सेल होती है और ये इधर एक छोटी सी प्लेट होती है जिससे अटैच होता है, yes, और ये आगे जा करके ना वो छोटा वाला बल्ब जो होता है उससे कनेक्टेड होता है, ये पूरा एक इंटरनल सर्किट होता है ये,
ये दो सेल्स इस बल्ब को सप्लाई दे रहे होते हैं, E1 प्लस E2 वाला केस है ये। यस सर। टॉर्च में भी ऐसे लगाते हैं, एक सेल के पीछे दूसरी सेल, तीसरी सेल पीछे वाली टॉर्च जो लंबी वाली पैरिंग रहती थी। सर तो जैसे अगर इनमें से किसी एक सेल की पोलैरिटी चेंज करके लगा देंगे तो मतलब E1 माइनस E2 EMF हो जाएगा। तो कम हो गया। सर कम हो गया, पर सर अगर जैसे वही होता है सर कि अगर एक सेल बहुत पुराना है और दूसरा बहुत नया है तो सर उसमें तो भी सर मतलब रिजल्टेंट करंट कोई फ्लो ही नहीं करता है, जबकि सर ऐसे मतलब थोड़ा करना चाहिए सर रिजल्टेंट करंट फ्लो। तो यार वो बल्ब नहीं, बल्ब नहीं ग्लो करता है बट वो उसकी ग्लो हमारे काम नहीं आती है ना, ये तो सिग्नल्स रिमोट वाले तो सिग्नल्स पे काम करते हैं यार, सिग्नल भेजते हैं, सेंसर ही काम नहीं करेंगे इनके। अच्छा और सर आइडेंटिकल सेल्स होते हैं वो उल्टा लगा दो कैंसिल ही हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, कितना ये कह रहा है कि एक एक रेड कनेक्ट हो गया है। तो अच्छा, अरे मान लो नया वाला 1.5 है पुराना वाला 0 है तो ये मिल करके तो 1.5 ही हुआ ना। यस सर। फायदा क्या हुआ दूसरे का? अगर रिमोट जो बना होगा तो उसमें एक सेल की फिक्स्ड वैल्यू होती कि इतनी डालो तो चलेगा। बिल्कुल। साइज भी सेल का उसी हिसाब से होता है जितना उसमें भाई ये पावर रेटिंग है उस बल्ब की। चलिए हां बच्चा क्विकली दो सेल को अगर पैरेलल में लगाएं तो सर क्या होगा बता रहे बच्चा, पहले सीरीज वाला समझो हुआ आपका ये। उसको तो समझो बता रहे हैं आपको बता रहे हैं। इसका बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, सेल्स पैरेलल में यूज करें, मान लीजिए पैरेलल में सेल्स कब होते हैं जब दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ कनेक्ट हो जाएं और दोनों के नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ कनेक्ट हो जाएं, तो हम कहते हैं कि हमारे सेल्स पॉजिटिव उसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, तो E1 और उसका रेजिस्टेंस R1 और दूसरी सेल जिसका EMF है E2 और रेजिस्टेंस R2। हमने क्या किया, दोनों के प्लस प्लस टर्मिनल्स एक साथ अटैच कर दिए और दोनों के माइनस माइनस एक तरफ अटैच कर दिए और फिर हमने कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। हमारा क्वेश्चन है कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितनी करंट आएगी, हालांकि इसको KVL से निकाल सकते हैं और बट इस केस में हम KVL से ज्यादा बेटर अप्रोच फॉलो करने जा रहे हैं और वो है पोटेंशियल अप्रोच। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं और यहां पर पोटेंशियल को x मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यहाँ पोटेंशियल जीरो यहाँ पोटेंशियल x मान लेते हैं, ये E1 बैटरी तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट E1 minus x minus E1 एंड पोटेंशियल हियर विल बी x minus माइनस E2 और मान लेते हैं कि ये जो I करंट यहाँ पर आया उसमें से I1 इस तरफ चला गया और I2 इस तरफ चला गया, तो हम किरचॉफ रूल फॉलो करेंगे तो कैपिटल I बराबर I1 प्लस I2। कैपिटल I को ओम्स लॉ के हिसाब से क्या लिखें, कैपिटल आई ओम्स लॉ के हिसाब से कैपिटल आई करंट बाय आर नेट, सुनिए तो हाँ, तो पोटेंशियल x से पोटेंशियल 0 की तरफ गए From x to 0, तो potential difference x minus 0 by r, I1, this current is running from 0 potential to the x minus E1 potential. E1 minus x by r. So it is E1 minus x divided by small r. I2 current is running from 0 potential to the x minus E2. ये equation बन गई। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो E1 by small r1 plus E2 by small r2 whole upon 1 by r1 plus 1 by r2. E1 by small r1 plus E2 by small r2 and divided by this whole divided by 1 by r1 plus 1 by r2. Value of x आ गई। ठीक है ये? Yes sir. And this x divided by capital R, this x divided by capital R is the value of current I. So current I मिल जाएगा हमें this small x divided by capital R कर दीजिए।
रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, आप बताना सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं ना। ये कैपिटल आई की वैल्यू मिल रही है एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल आर करके। इतनी जल्दी दिखेगा नहीं वो, बट जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको मैच करेगा वो आंसर। छोड़ दे रहे इसके आगे, मतलब यहाँ तक आप इस स्टेप से ये स्टेप वेरीफाई करने में टाइम लगेगा सर। सर ये जो R1 R2 रेजिस्टेंस है, अगर ये दोनों नहीं होते तो सर वो जो x और 0 वाले पॉइंट है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताता? नहीं तो वो केस बनेगा ही नहीं, वो तो आप एक डिबेट वाला क्वेश्चन उठा रहे, मतलब आइडल बैटरीज। यस सर। तो ये डिफाइन ही नहीं होता ना, क्योंकि फिर एक तरफ से ये E1 आता और एक तरफ से ये E2 आता। यस सर। वो अनडिफाइंड आंसर है, मतलब नॉट आंसरेबल जिसको कह सकते हो, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कभी। थ्योरेटिकली हो सकता है बट प्रैक्टिकली कभी नहीं हो सकता, इसीलिए इसका आंसर भी नहीं आ रहा है। यस सर। हां इसको सिंपलीफाई कर लेना एक बार, वो क्रॉस चेक करना इतना ही आएगा वैसे। और इक्विवेलेंट का मतलब फिर से है कि दो की जगह एक बैटरी होती, इन दो की जगह अगर हम एक सिंगल बैटरी यूज कर रहे होते तो हमें पता है कि सिंगल बैटरी से जो करंट आती है वो होती है EMF of that single battery upon external resistance plus small R। तो इस result को current from the single battery वाले result से compare करिए। The current in external resistance given by the two batteries and the current in the external resistance given by the single battery, comparison करते हैं। E equivalent आ गया, कुछ numerator है भाई। compare करने पर E equivalent जो होगा वो होगा summation of E ith over R ith over summation of 1 upon R I F. That is the complete expression of equivalent EMF. Yes, sir. और R equivalent तो वैसे ही जैसे parallel में आता है। R equivalent तो parallel combination ही लगा रहे, तो R1 R2 by R2 plus R2 यानी कि 1 over R equivalent equals to ये सब बन रहा result यार। ठीक है जी। यस यस सर। चलो बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।